टाकुली टॉक्स की एक और नई वीडियो में दोस्तों फिर से स्वागत है आपका। और अभी आप देख रहे हैं फोक्सवैगन की टाइगून। तो टाइगून का सबसे बेस वेरिएंट आज जो है हम आपके सामने लेके आए हैं। और यार दूर से तो देखने में कहीं से भी नहीं लगता कि ये किसी गाड़ी का एक बेस वेरिएंट है, क्योंकि आज तक आपने देखे होंगे बेस वेरिएंट एकदम सिंपल से, विदाउट व्हील कवर, विदाउट आपको जो है ORVs एकदम ब्लैक्ड आउट, डोर हैंडल्स ब्लैक्ड आउट। तो ऐसा इसमें नहीं है। फोक्सवैगन या फिर स्कोडा की जब बात आती है ना, तो बेस वेरिएंट भी ऐसे लगते हैं कि आपको जो है टॉप वेरिएंट खड़े हों आपके सामने। कई बार तो ऐसा लगता है कि इनके बेस वेरिएंट के सामने और गाड़ियों के जो है टॉप वेरिएंट भी जो है एक तरीके से फीके पड़ जाएंगे। तो आज की वीडियो में अगर मैं इसके बारे में बताऊँ तो एक्स शोरूम जो इसकी रहती है ना, जो इसका कंफर्ट लाइन सबसे बेस है, सबसे पहले इंजन ऑप्शन की बात करी जाए तो इसमें जो है दो इंजन आते हैं, आते दोनों पेट्रोल में हैं, डीजल ऑप्शन नहीं आता इसमें। एक 1 लीटर का 3 सिलेंडर वाला TSI इंजन है, तो ये कंफर्ट लाइन TSI वाला ही वेरिएंट है सबसे बेस। एक आता है 1.5 लीटर का 4 सिलेंडर वाला TSI पेट्रोल इंजन, उसमें आपको काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिलती है और हाईवे में भी उससे आप ज़्यादा माइलेज ले सकते हैं, क्योंकि उसमें जो है आपको एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है इसमें, कि आप 2 सिलेंडर ऑफ करके भी जो है काफ़ी अच्छा माइलेज ले सकते हैं। तो मतलब ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी मुझे जो है फोक्सवैगन और स्कोडा की गाड़ियों में। तो यहाँ पर अगर आप जो है मार्केट में कॉम्पिटिटर इसके अगर आप बात करते हैं, तो एक तो हुंडई की जो है आपको रहती है क्रेटा, क्रेटा का पेट्रोल में EX वेरिएंट इसका कॉम्पिटिटर रहता है। वहीं अगर आप जो है किया की बात करते हैं तो सेल्टॉस में इसका STX जो रहता है वो जो है एक कॉम्पिटिटर है। बाकी स्कोडा का जो है आप जानते हैं कोशाक, और ये सिमिलर सी लगती हैं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा ज़्यादा प्रीमियम लुक मिलेगा। मात्र अगर डिफरेंस की बात करूँ, ये एक्स शोरूम में सबसे बेस कम्फर्ट लाइन 11,40,000 रुपये का एक शोरूम में कॉस्ट करता है। अगर स्कोडा का कोशाक की बात करें उसके बेस की, वो 11,29,000 रुपये, मतलब वही 10,000 रुपये का डिफरेंस है, लेकिन 10,000 रुपये यहाँ वॉर्थ इट लगते हैं। अगर आप इसका जैसे ही फ्रंट प्रोफाइल देखेंगे, प्रॉपर क्रोम का वर्क इतना डिटेल में यहाँ पर दिया गया है जिससे कि लगता ही नहीं है कोई एक बेस वेरिएंट आपके सामने खड़ा हो। सिल्वर स्किड प्लेट आपको यहाँ पर मिल जाएगी, अच्छी खासी आपको ग्राउंड क्लियरेंस इसमें मिलती है। लाइटिंग सेटअप पूरा DRS के साथ में दिया गया है। अब साइड से अगर आप जो है ना इसके फ्रंट में पैनल्स की बात करें, हर एक पैनल्स पर प्रॉपर यहाँ पर जो है कट क्रीजेज आपको जो है देखने को मिलेंगे, वो भी फिट एंड फिनिश के साथ में। यहाँ पर आप देखिए कितनी प्रॉपर फिट एंड फिनिश, प्रॉपर यहाँ पर जो बिल्ड क्वालिटी का जो है, अगर आप इसके डोर एक बार थर्ड सुन लें तो प्रॉपर आपको पता लग ही जाएगा जो किस टाइप का जो है इसमें प्रॉपर जो है यहाँ पर स्टील यूज़ किया गया है। तो जैसे ही अगर आप फ्रंट आते हैं ना, फ्रंट तो मेरे को कोशाक से काफ़ी बढ़िया लगा इसका। ओवरऑल इसकी जो है विड्थ की अगर मैं बात करता हूँ, तो अच्छी खासी जो है इसकी जो विड्थ रहती है आपको जो मिलेगी यहाँ पर 1760 mm की इसकी पूरी ओवरऑल विड्थ रहती है। अगर आप इसकी जो है लेंथ की बात करते हैं तो ओवरऑल लेंथ जो है 4221 mm की है, तो 4 मीटर से थोड़ी आपको इसकी लेंथ ज़्यादा मिलती है, तो थोड़ा प्राइजिंग भी आपको हाई सी मिलेगी। और इसकी जो आपको हाइट मिलती है 1612 mm की इसकी प्रॉपर हाइट मिलेगी। ग्राउंड क्लियरेंस भी अच्छा खासा 188 mm का अनलीडन ग्राउंड क्लियरेंस है। और जो इसका व्हील बेस है, व्हील बेस भी प्रॉपर आपको इसमें काफ़ी अच्छा 2651 mm का मिलेगा, जिससे कि इंटीरियर में जो स्पेस है वो भी आपको इसमें प्रॉपर इसमें देखने को मिलता है। और रूफ रेल्स जो इसमें दे रखी हैं बेस वेरिएंट से, ये भी थोड़ा फंक्शनल है, जिसमें कि आप जो है 40 से 50, 55 kg कुछ भी जो है रखना चाहें इसमें आसानी से रख सकते हैं। अब जैसा ही फ्रंट में लाइटिंग सेटअप की बात करें, तो एक बार जला के आपको जो है लाइटें आपको मैं दिखाऊँ, तो यहाँ से आप जो है लाइटें जलाते हैं, प्रॉपर यहाँ पर दिया गया है। तो ऐसी जो है आपको हेलोजन में लाइटें लो और हाई के लिए प्रॉपर जो है दो अलग अलग आपको यहाँ पर जो है सेटअप दिया गया है। नीचे प्रॉपर DRLs मिल जाती हैं LED में, इंडिकेटर्स आपको यहाँ पर जो है हेलोजन में ही मिलेंगे, नीचे फॉग लैंप्स नहीं मिलती हैं, तो ये आपको टॉप एंड वेरिएंट में आपको देखने को मिलेगी, या फिर आप शायद इसमें एसेसरीज में भी लगवा सकते हैं। तो लाइटिंग सेटअप ऐसा कुछ मिल जाता है, तो प्रॉपर DRLs बेस वेरिएंट से इसमें रखी गई हैं। क्रोम का जो है आपको ट्रीटमेंट बेस वेरिएंट से ही रखा गया है, फ्रंट में आपको सिल्वर स्किड प्लेट बेस वेरिएंट से ही रखी गई है, तो फ्रंट वाकई में आपको जो है कोशाक से इसका पसंद आ जाएगा। क्रोम का वर्क प्रॉपर यहाँ पर है, फोक्सवैगन का बड़ा सा लोगो जो कि काफ़ी प्यारा सा लगता है। और एक बार लाइटें जो है ऑफ कर देते हैं, फिर बाकी बात करते हैं इसके और कौन कौन से फीचर्स इसमें दिए गए हैं। तो साइड से आप देखेंगे तो साइड से कुछ ऐसी रहती है, ORVs पे इंडिकेटर्स आपको बॉडी कलर ORVs मिल जाते हैं, ए पिलर आपको जो है बॉडी कलर मिलता है, बी पिलर आपको ब्लैक्ड आउट मिलेगा। प्रॉपर यहाँ पर क्लैडिंग थोड़ा वाइड बीच में रहती है, साइडों में काफ़ी जो है यहाँ पर
इतनी ज़्यादा वाइड ग्लाइडिंग नहीं है लेकिन अच्छी लगती है। यहाँ पे टायर प्रोफाइल की बात करें तो अपोलो का इसमें टायर है, प्रोफाइल जो रहेगी वो रहती है इसकी जो है 205/60R16 की, 16 इंच का आपको यहाँ पे स्टील रिम मिलता है व्हील कैप के साथ में, ब्लैक कलर के स्टील रिम में। टॉप वेरियंट में जाएंगे तो ये एलॉय में कन्वर्ट हो जाएंगे और बाकी ये डिस्क वाइपिंग के साथ में आती है इसकी ब्रेकिंग, तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। सेफ्टी फीचर्स बहुत अच्छे खासे इसमें दिए गए हैं, तो सेफ्टी फीचर्स क्या क्या हैं इसके वो आपको सामने देखने को मिल जाएंगे। फ्रंट में डिस्क ब्रेक्स रहती है, रियर में ड्रम ब्रेक्स रहेंगी, तो ओवरऑल एक इसका जो है आपको 360 डिग्री व्यू दिखाऊं तो ऐसा कुछ रहता है। अब चलें जरा इसके जो है रियर सेक्शन की ओर, तो रियर की बात करते हैं तो रियर में जो है आपको कुछ ऐसी जो है टेल लैंप आपको देखने को मिलती है, तो पूरा ये आपको इस तरह से बीच में भी पार्ट मिलेगा, पूरा मर्ज होते हुए आपको ऐसा देखने को मिलता है। एक बार इसको भी जलाया जाए फिर आपको जो है पता लगेगा। तो टेल लैंप अगर आपको यहाँ पर जला के दिखाया जाए तो ऐसा कुछ, मतलब टेल लैंप का आप डिज़ाइन देख लेना तो यहाँ से आपको रियर लुक भी काफ़ी ज़्यादा पसंद आ जाने वाला है। ये पूरा LED फॉर्म में रहेगा, तो ऐसी कुछ जो है आपको रियर प्रोफाइल आपको इसकी देखने को मिलती है। वही 45 लीटर के आसपास जो इसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी मिलती है। और अब चलते हैं इसके जो है पीछे की ओर, तो पीछे अगर आप देखें तो यहाँ पे आपको जो है डिफॉगर नहीं मिलता, ऊपर आपको हाई माउंटेड स्टॉप लैंप, इसमें भी काफ़ी LEDs काफ़ी ज़्यादा लगी हुई हैं, वायर एंटीना इसमें देखने को मिल जाता है। बाकी टेल लैंप्स काफ़ी प्यारी लगी मेरे को इसकी, टाइगून आपको यहाँ पर लिखा हुआ TSI की आपको जो है बैचिंग मिलेगी, और पीछे भी प्रॉपर यहाँ पर जो है क्रोम का वर्क हर जगह दिया गया है। तो बेस वेरिएंट तो आप इसे कह ही नहीं सकते कि किसी गाड़ी का बेस वेरिएंट यहाँ पे खड़ा है। आपको 3 रिवर्स पार्किंग सेंसर मिलेंगे, अच्छा खासा ग्राउंड क्लियरेंस जो कि आप ये देख रहे हैं। अब चलें जरा इसके जो है बूट स्पेस की ओर, तो यहाँ से जस्ट अगर आप ओपन करते हैं तो ये रहता है इसका प्रॉपर रियर में। अगर आप जो है बूट स्पेस की ओर आते हैं तो ये इसका 385 लीटर का बूट स्पेस विद बूट लैम्प के साथ में। पार्शियल ट्रे इसमें नहीं मिलती, तो पार्शियल ट्रे इतनी कोई बड़ी बात नहीं है, तो आप जो है लगवाई सकते हैं, लेकिन 385 लीटर का बूट स्पेस अपने आप में काफ़ी ज़्यादा है। नेक्सॉन से कंपेयर करेंगे, नेक्सॉन से तो बहुत ही ज़्यादा इसमें मिल रहा है। नीचे स्पेयर व्हील यहाँ पर दे दिया जाता है इस तरीके से, स्टील रिम के साथ में मिल रहा है। तो इस तरीके से ये रहता है इसका रियर का पूरा प्रोफाइल अगर आपने देखा। अब जरा इंटीरियर में चलें, पीछे से अगर आप इंटीरियर में चलते हैं ना, जो तो 2691 mm का जो व्हील बेस है ना इसका, तो वो अपने ही आप में यहाँ पर दिखता है, जो कि आप देखेंगे काफ़ी स्पेसियस आपको इंटीरियर आपको रियर से आपको मिलेगा। बाकी 3 लोग तो आराम से कंफर्टेबली इसमें बैठ सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको जो है हेडरेस्ट तीनों दे दिए गए हैं। बीच में ज़्यादातर आपने कम ही गाड़ियों में देखे होंगे, यहाँ पर बीच में भी दिए गए हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पर साइडों में तो मिल ही जाते हैं। आर्मरेस्ट यहाँ पर नहीं मिलता, सीटें आपको फैब्रिक में मिलती हैं, यहाँ पर लेदरेट नहीं मिलती। इसमें आप सीट कवर लगाएंगे और थोड़ी ज़्यादा आपको चौड़ी देखने को मिलेंगी। रियर में आपको रियर AC वेंट प्रॉपर मिल जाते हैं, LED लैंप्स यहाँ पर दे दिए गए हैं, और फ्लेक्सिबल आपको टाइप ग्रैब हैंडल चारों ओर दिए गए हैं यहाँ पर और साथ ही साथ ड्राइवर साइड भी आपको यहाँ पर देखने को मिल ही जाता है। अब जरा फटाफट से इंटीरियर की बात करते हैं इसके, इंटीरियर में क्या क्या दिया गया है। चारों पावर विंडो मिल जाती हैं आपको, साथ ही साथ यहाँ पर जो है स्पीकर्स का सेटअप पूरा आपको मिलेगा, लॉक अनलॉक का, इलेक्ट्रिकली जो है आप एडजस्टेबल ORVMs यहाँ से एडजस्ट करेंगे, हाइट एडजस्टमेंट के साथ में जो है ये सीट आती है ड्राइवर सीट। बेस वेरिएंट को एक तरीके से फुली फीचर लोडेड यहाँ पर बनाने की जो है कोशिश करी गई है। और बाकी यहाँ से आप देखें तो यहाँ से आप हेडलाइट जो है ऑन ऑफ करेंगे, और जो बीम अगर आपको एडजस्ट करनी है तो यहाँ से आप आसानी से जो इसमें कर सकते हैं। अब जरा इंटीरियर में बैठ के बाकी बात करते हैं इसके, क्या क्या जो इसमें चीज़ें दी गई हैं। तो फटाफट से यहाँ पर बात करें तो स्टेयरिंग अगर आप देखेंगे ना, तो स्टेयरिंग आपको ऐसा फ्लैट बॉटम वाला स्टेयरिंग मिलता है, और इस पर थोड़ा जो है सिल्वर फिनिश आपको यहाँ पर मिलेगी। और डैशबोर्ड पूरा ऐसा कुछ रहेगा, और एडजस्टमेंट एक तो टिल्ट आपको इसमें मिलेगी और टेलीस्कोपिक भी। ये काफ़ी अच्छी चीज़ लगी बेस वेरिएंट में ही, मतलब स्टेयरिंग दोनों एडजस्टमेंट के साथ में मिल रहा है, तो ये आपको स्टेयरिंग दोनों एडजस्टमेंट के साथ में मिल जाएगा। और बाकी ये सारे जो है कंट्रोल्स वाइपर के, ये जो है हेडलाइट के जो है इंडिकेटर देने के, और थोड़ा हाई बीम करने के ऐसे आपको मिलेंगे। और बीच में जो मीटर कंसोल आप देख रहे हैं वो आपको जो है यहाँ पर एनालॉग इसमें दिया गया है, इसका जो है RPM और स्पीडो,
और जो है टेम्परेचर का भी एनालॉग, और बीच में जो स्क्रीन है यहाँ से आप जो है कुछ भी चेंज करना हो, इकोनॉमी और ये आपको जो है किलोमीटर सारा कुछ जो है टेम्परेचर स्पीड ये सारा कुछ आपको ट्रिप पे ट्रिप भी ट्रैवल टाइम ये सारी कुछ जो है फंक्शन इसके जो है राइट साइड में जो स्टेयरिंग पे कंट्रोल्स दिए गए हैं स्टेयरिंग माउंटेन कंट्रोल्स यहाँ से आप जो है एडजस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो है 7 इंच की स्क्रीन जो इसकी रहती है एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले के साथ में इसके सारे कंट्रोल्स आपको यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। अगर मैं बात करूं इसमें और क्या क्या चीज़ें हैं तो सबसे पहले एंड्रॉयड ऑटो एप्पल कारप्ले तो इसमें मिल ही रहा है और आपको जो है 6 स्पीकर्स मिल जाएंगे। और जैसे नीचे आते हैं यहाँ पे ट्रैक्शन ऑन ऑफ आइडल स्टार्ट स्टॉप ये सारा कुछ कंट्रोल यहाँ पर मिल जाएंगे। और जो है एसी आपको जो है यहाँ पर मैनुअल एसी आपको देखने को मिलता है और 12 वोल्ट का एक चार्जिंग सॉकेट यहाँ पर कुछ भी आप जो है चार्ज कर पाएंगे। और 6 स्पीड का जो है यहाँ पर जो ट्रांसमिशन दिया गया है ये मैनुअल वाला रहता है। अगर ऑटोमेटिक लेंगे तो ऑटोमेटिक जो है आपको 6 स्पीड का जो है टॉप में जाते हैं तो 1.5 में जाते हैं तो उसमें आपको 7 स्पीड का DCT भी आपको इसमें मिल जाएगा। और यहाँ पर कुछ स्पेस यहाँ पर प्रॉपर कुछ रखने के लिए आपका और कप होल्डर्स यहाँ पर दिए गए हैं, हैंड ब्रेक कुछ बेसिक सा और स्लाइडिंग वाला आपको जो है आर्मरेस्ट यहाँ पर कुछ ऐसा दिया गया है स्पेस के साथ में। और इंटीरियर में आपको डे नाइट IRVM LED आपको इंटीरियर में लाइटें, ऊपर कोई गॉगल्स होल्डर नहीं मिलता और वैनिटी मिरर यहाँ पे को ड्राइवर साइड मिलेगा और यहाँ पे टिकट होल्डर के साथ में ये कुछ दिया आपको जाता है। तो ऐसा कुछ इंटीरियर के मामले में ये मेरे को काफ़ी स्पेसियस लगी, आपको जो है अच्छा खासा इंटीरियर जो विड्थ है ना इसकी काफ़ी अच्छी जो है 1760 mm की मिलती है जिससे कि क्या इंटीरियर में जो स्पेस है वो काफ़ी अच्छा आपको देखने को मिल जाता है। अब जरा इसके इंजन की बात करते हैं, इंजन में आपको क्या है कैसी पावर आपको इसमें देखने को मिल रही है तो फटाफट से बात करते हैं। अब इसके जो है इंटीरियर से जो है फ्रंट का जो अगर आप जो है हुड खोलते हैं तो अब फटाफट से बात करते हैं इंजन सेक्शन की। तो ये जो है जैसा कि मैंने बताया आपको 1 लीटर के TSI इंजन के साथ में आता है जो कि टर्बो वाला 3 सिलेंडर वाला इंजन है। तो इसमें जो पावर है वो आपको जो है काफ़ी अच्छी जो है आपको देखने को मिलेगी। तो ये रहता है इसका 1 लीटर का TSI टर्बो वाला इंजन और ऊपर आपको कोई भी इंसुलेशन नहीं मिलती लेकिन ये काफ़ी अच्छा खासा भारी देखने को मिलता है। अब इस इंजन की पावर आउटपुट की बात करी जाए तो 114 BHP की ये पावर 178 Nm टॉर्क के साथ में प्रोड्यूस करता है। तो नॉर्मल आपने एक बार तो सोचा होगा यार इसमें तो यही 3 सिलेंडर वाला इंजन मिल रहा है तो क्या पावर होगी, लेकिन ये 3 सिलेंडर इंजन विद टर्बो के साथ में है, जब टर्बो एड ऑन होता है तो आपको जो परफॉर्मेंस है वो एक तरीके से टॉप नॉच इसमें मिलने वाली है। और माइलेज की बात करी जाए वही अगर हाईवे पे थोड़ा अच्छे से चलाते हैं तो आपको 15-16 का माइलेज इसमें आसानी से जो है मिल जाएगा। बाकी अगर 1.5 लीटर वाला जो है इंजन ऑप्शन लेते हैं तो उसमें काफ़ी अच्छा जो है आपको जो है एक्टिव सिलेंडर टेक्नोलॉजी मिल जाती है इसमें कि आप 2 सिलेंडर ऑफ करके भी जो है इसे आसानी से जो है चला सकते हैं। तो इस तरीके से ये था दोस्तों फोक्सवैगन की टाइगून का सबसे बेस कंफर्ट लाइन वेरिएंट जो कि एक शोरूम में 11,40,000 रुपये से स्टार्ट हो जाता है। तो मेरे हिसाब से सारी चीज़ें तो इसमें मिली जा रही हैं जो कि आपको इसमें चाहिए, आपको अंदर स्क्रीन चाहिए वो सारा कुछ मिल रहा है, आपको इसमें परफॉर्मेंस चाहिए वो सारा कुछ मिल जाएगी आपको इसमें। रियर और फ्रंट का लुक मेरे को ज़्यादा स्कोडा की कोसाक से इसमें अच्छा लगा। तो दोस्तों यही थी आज की वीडियो, मेजरली एक बेस वेरिएंट जो कि हर एक जो है फीचर्स के साथ में आता है ये मेरे को कुछ ऐसा वेरिएंट लगा। तो आपको कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं, मिलते हैं एक और ऐसी नई वीडियो के साथ में।